हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ हम लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं जैसे एज प्रोमिस्ड मैं अपना कोशिश करूँगी वीडियो डेली लेके आऊँ, कुछ बातें आपसे करूँ, कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, और ये फिर से जो रिस्ट्रिक्शंस लग जाएं उसका सफ़र आसानी से कट जाए। वाह वाह, क्या लाइन है, क्या लाइन है, वाह 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 है ना। तो जैसे कि मैंने लाइनें कुछ कही हैं, वैसे ही मैं बात करूंगी आज, तुरंत टॉपिक पे आऊंगी। अभी लारा मुझे तंग कर रही थी, तो रीटेक पे टेक पे टेक पे टेक चल रहा था, तो फिर मैंने उनको फाइनली कमरे से रिक्वेस्ट करके बाहर निकाला। इतनी जिद्दी थी, हिल नहीं रही थी, फिर ध्रुव उसको लेके गया है। तो मैं बात करूंगी, सिंस मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है, मैं बात करूंगी। मुझे जितनी भी नॉलेज यहाँ मैंने अपने एक्सपीरियंस से गैदर किया है उसको लेके मैं बात करूंगी फिल्मों की 2021, और क्यों इतना डिजास्टरस रहा फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एंड आई एम शॉक्ड दैट द फिल्म मेकर्स की फिल्म मेकर्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म मेकर्स विच मीन्स डायरेक्टर ऑफ द फिल्म्स, डायरेक्टर को मैं कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना था जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी नई नई। और मेरा बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस रहा अपनी पहली फिल्म को लेके, क्योंकि मैंने पाया कि यस, यहाँ दिखावा ज़्यादा है, काम लोग कम जानते हैं। और मैंने जब इस चीज़ को समझ लिया, लर्न कर लिया अपनी पहली फिल्म से, इसीलिए मैंने फर्स्ट फिल्म अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई, जो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, बट वो आपको फिल्म स्कूल की पूरी नॉलेज दे देता है। और मैंने क्रिएटिवली अपने को स्ट्रॉन्ग किया, क्रिएटिवली मुझे समझ में आया कि किस चीज़ को किस तरीके से कहाँ पर इनपुट जाना चाहिए और टेक्निकली कैसी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। ये दो चीज़ें डायरेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। पर आजकल के डायरेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड हो गए, रादर देन कि वो क्रिएटिवली स्ट्रांग हो या टेक्निकली स्ट्रांग हो। और मुझे ये बात बहुत ज़रूरी लगती है, क्योंकि बिजनेस देखना प्रोड्यूसर का काम था, डायरेक्टर का काम कभी भी नहीं था। डायरेक्टर अगर क्रिएटिवली सही नहीं है और टेक्निकली सही नहीं है, तो वो एक सही फिल्म नहीं बना सकता। और अगर वो सही फिल्म नहीं बनाएगा तो आज के दर्शक नहीं देखेंगे, ये तो बिल्कुल पते की बात हो चुकी है। हम कितने एग्जांपल्स, कितनी बार बेवकूफ़ बनेंगे, आम जनता कितनी बार बेवकूफ़ बनेगी, आम जनता अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी। ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने ब्लॉग के थ्रू दे रही हूँ। और मुझे नहीं समझ में आता, जैसे मैं रिसेंट दो फिल्मों की बात करूँ जो चर्चाओं में है, 83 की बात करूं कबीर खान जी की, और आनंद राय जी की अतरंगी रे की बात करूं, दोनों मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स रहे हैं जिनसे मैंने कुछ सीखा है लाइफ में। और शुरू की फिल्में मुझे बहुत पसंद आई थी, जब वो तनु वेट्स मनु के फेस में थे, और बजरंगी भाईजान, तो हम सबको पता है राम जाने कितनी बार मैंने बीबी को देखा है, बहुत बार देखा है। बट मुझे लगता है कि 83 और अतरंगी रे, मतलब 83 में भी आप जब इतने ओरिजिनल अच्छे सब्जेक्ट्स आप उठा सकते हो, जो फिक्शन भी हो, जिसमें कनेक्शन भी हो, जिससे एक आम जनता कनेक्ट कर पाए, और आज की जनरेशन को ध्यान रख करके एक इंटरटेनिंग फिल्म बनाओ, तो आखिर क्यों ऐसे घिसे फिटे फॉर्मूला फिल्में उठा रहे हैं लोग? या तो उनके पास बहुत पैसा हो गया है फेंकने के लिए, विच आई डोंट थिंक एवरीबडी वॉन्ट्स दैट, फिल्म इंडस्ट्री शुड मेक मनी, एंड ये तो यहाँ पे लोग बेचारे भूखो मर जाएंगे अगर फिल्में बनना बंद हो जाएंगी। पर जो मुझे आसार दिख रहे हैं, 83, आप सोचिए, अब 83 की विन को आज की जनरेशन को दिखा रहे हैं, व्हाई दे विल टेक इंटरेस्ट इन इट? जब ये फिल्म टेबल पे आई थी, ये जब सब्जेक्ट आया था टेबल पे, उसको उसी समय रिजेक्ट होना चाहिए था। जस्ट बिकॉज वहाँ पे कबीर सर का नाम है, इट डजेंट मीन कि उस सब्जेक्ट को अप्रूव कर लिया जाए। और फिल्म इंडस्ट्री में यही सबसे बड़ा इश्यू है।
आप सोचिए मिमी कितनी अच्छी फिल्म थी, शेरशाह हमने देखा, दोनों का कंटेंट स्ट्रांग था, एक्टर कोई भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको रियली बता रही हूँ। फिल्म अभी भी मैं बोल रही हूँ और मैंने कई बार बोला है, फिल्में एक्टर्स नहीं चलाते हैं, फिल्में कंटेंट चलाते हैं, और कंटेंट बनाता कौन है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंटेंट बनाना, एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक्टर आता है अपना काम करता है और चला जाता है, वो अपना काम करता है, पर अगर आप कंटेंट ही उसको नहीं दोगे तो वो क्या कर लेंगे फिर। आप इतना प्रिंटेड कंटेंट ले आए जिसमें 83 में, जिसमें सभी को पता था इंडिया विंड है, तो वो तो शुरू से ही प्रिंटेड फिल्म हो गई। सेकेंडली कोविड का पीरियड है, आपको पता है कोविड का पीरियड है, आधे से ज्यादा लोग, हालांकि जब ये फिल्म बनी थी तो उस समय नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा या ऐसा कुछ था, फिर भी मैं नॉर्मल कंडीशन में भी बात अगर करूं इसकी, तो आज की जनरेशन को धोनी से लेना देना हो सकता है, कपिल देव से कोई लेना देना नहीं होगा। चाहे आप इसको बुर्ज खलीफा पे एडवर्टाइज कर लो, चाहे दुनिया में कहीं एडवर्टाइज कर लो, ये सत्य है। मैं कपिल सर का बहुत मान करती हूँ, पर आजकल की जनरेशन उस सब्जेक्ट से कनेक्ट ही नहीं करती है। आज की जनरेशन विराट कोहली और धोनी, इसीलिए MS धोनी को जो बायोपिक बनी थी वो लोगों ने उस बायोपिक को पसंद किया और उसने पैसा भी बनाया। दूसरी चीज, धोनी में कुछ ऐसी चीजें लोगों को देखने को मिली जो उनको नहीं पता थी। यहाँ पे सभी को पता था कि इंडिया का विन और इंडिया विन करेगी, ये 33 कप जीता था हमने, सभी को पता था, तो इसमें ऐसा नया क्या था फिर। अब ज्यादा से ज्यादा वही क्रिकेट, वही मैच, वही फील्डिंग, वही, आप उसमें क्या थ्रिल बना दोगे, आप चकदे नहीं बना रहे हो, है ना। और फाइनली आपने कितने बड़े फेस को ले लिया, क्योंकि इसको आप जो और ड्रामा और कैरेक्टर्स को जो आपको निखार के लाना था वो आपने नहीं किया, आपने पूरा फोकस कपिल देव पे कर दिया, क्योंकि वहां पे फेस रणवीर सिंह का था। ये डायरेक्टर की सबसे बड़ी गलती है, डायरेक्टर को कंटेंट उसी तरह से डेवलप करना चाहिए जैसे उस कंटेंट को डेवलप होना चाहिए। तो हमारे इमोशनल जो इमोशंस थे वो तो शुरू से ही रॉन्ग डायरेक्शन में थे। और दूसरी चीज, फिर आपने थिएटर में फिल्म को रिलीज कर दिया, जब यूथ ही नहीं गया तो एजिंग लोग तो वैसे ही नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, क्योंकि 83 को हमारे टाइम के ही लोग जानते हैं, वो क्राउड अभी जा ही नहीं रहा है कोविड के डर से, तो फिल्म को तो फ्लॉप होना ही था, ये तो फ्लॉप होने ही वाली थी। जब लोग मुझसे कह रहे थे कि ये सबसे बड़ी हिट होगी, तभी मैंने इनसे कहा था कि आई एम सॉरी टू से दैट बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज आज की जनरेशन इससे कनेक्ट नहीं करेगी इस फिल्म से। तो सबसे बड़ी बात है फिल्म मेकर का एक जो लॉजिक होता है ना, कि हमको ये पसंद है, आपको क्या पसंद है, इसलिए इससे मतलब नहीं होता, मतलब होता है ऑडियंस को क्या पसंद है। ये मैंने सीखा है, मैंने भी मिस्टेक्स किए, दिस इज हाउ आई हैव लर्न एंड आई एम शेयरिंग माई नॉलेज वॉट एवर आई हैव गैदर्ड। आई एम नॉट दैट सीनियर इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो, बट आई हैव स्ट्रगल्ड फ्रॉम 2011 टू 2021, सो आई नो आई हैव इनफ एक्सपीरियंस, सो आई नो वॉट इज गुड एंड बैड फॉर मेकिंग अ गुड कॉन्टेंट फिल्म। नो लेट्स टॉक अबाउट अतरंगी रे। अतरंगी रे मतलब मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशन में देख रही थी उसको, बहुत एक्साइटेड थी फिल्म को लेकर के, बट फिल्म शुरू के 15-20 मिनट्स ठीक लगी मुझे। चलो वो लड़की जा रही है, घर से भाग रही है, फिर धनुष की एंट्री हुई, उनकी शादी हो गई, बट जो लव को शुरू में जो उनकी लव स्टोरी को डेवलप होना था वो बिल्कुल नदारद थी। आपका शादी हो गई किसी से इसलिए आपका उससे प्यार नहीं हो जाता है, एंड आप आज की जनरेशन को दिखा रहे हो ये चीजें जो बिल्कुल ही इस पे बिलीव नहीं करती है। सेकेंडली मतलब फिर अक्षय कुमार की एंट्री, वो किस कनेक्शन में एंट्री, सारा लिखा उसको लवर मानती है कि फादर मानती है, इट वॉज रियली वेरी कंफ्यूजिंग। एंड में आप उसको छोटे
बच्चे को दिखा रहे हो अक्षय कुमार के साथ. सो व्हाट यू वाज योर वन लाइनर एंड व्हाट यू एक्चुअली वांटेड टू शो, इट वाज आई वाज क्लूलेस. एंड लास्ट की आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट तो सर में आंसर, आई एम सॉरी टू से दैट, बट अ जेल है फिल्म, अ जेल है. वही रिपीटेड चीजों को आपने रिपीट किया है, क्या जरूरत थी 2 घंटे 30 मिनट्स की? आप एक बहुत बढ़िया एंटरटेनिंग फिल्म बना सकते थे जो एक लव स्टोरी के बैकड्रॉप पे हो सकती थी, जिसमें अक्षय सर एक मेडिएटर का भी काम कर सकते थे. उनका कैरेक्टर वैसे ही बड़ा हो जाता, अच्छा हो जाता, और दोनों जोड़ियों को वो मिलाते अंत में. और मतलब मैं इसको एक अलग ही फ्रेम में देख रही थी कि ये एक इंटरटेनिंग फिल्म होगी, एक इंटेंस लव स्टोरी होगी, ये हमें उसी तरह गुदगुदाएगी जैसे रांझना ने गुदगुदाया था, बट दैट वॉज मिसिंग, टोटली मिसिंग. एंड जो है वो एक्टिंग की बात करें तो धनुष वॉज बिलो एक्सपेक्टेशन, बहुत बढ़िया काम करते हैं वो, पर उतना मज़ा नहीं आया, वो इंटेंसिटी नज़र नहीं आई मुझे लवर की इस फिल्म में. सारा अली खान, आई डोंट नो वॉट शी इज़ डूइंग इन द इंडस्ट्री. आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन आई गिव माय व्यूज ऑन समथिंग. स्टार किड्स तो बस खेल खेल में या फिल्में मिल रही हैं, और उसके सबसे महान रिस्पॉन्सिबल हमारे केजो अंकल, जो इन लोगों को चांस दिए जा रहे हैं. तो कोई इनसिक्योरिटी ही नहीं है, तो मेहनत कोई क्यों करेगा, और कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है तो उसका कोई क्या करे. बट सारा अली खान बिल्कुल भी समझ नहीं आई मुझे, कोई भी एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे नहीं था, कुछ भी नहीं था. और अक्षय सर मज़ा नहीं आया, बस यही बोलूंगी. और अगर एंड में ये बोलना चाहूंगी, अगर फिल्म इंडस्ट्री अभी भी नहीं सीखेगी तो डिजास्टर होने वाला है फिल्म इंडस्ट्री का. 2022 में डिजास्टर होने शुरू हो जाएंगे, बहुत नए लोग आएंगे जो टेक ओवर कर लेंगे. आप चाहे उनको घुसने दो, चाहे मत घुसने दो, चाहे कुछ करो, वो टेक ओवर उनको अपने टैलेंट के बेसिस पे कर देंगे, क्योंकि पब्लिक अब टैलेंट को पहचानती है. आप मत पहचानो, पब्लिक पहचानती है. और मुझे समझ में नहीं आता जो हमारे सो कॉल्ड डायरेक्टर्स हैं, क्या उनको फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से चांस देते रहना चाहिए इतने फेल्योर बनाने के बाद भी? तो ये नए डायरेक्टर्स जो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, शेरशाह की चलने की वजह ही यही थी, क्योंकि शेरशाह कंटेंट बहुत खूबसूरत बना था. ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जो आज तक एक्टिंग करते आ रहे थे, उन्होंने बड़ी कमाल की एक्टिंग कर दी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था. कंटेंट वाज वेरी गुड. एक आर्मी कंटेंट तो वैसे ही होता है जिससे एक पब्लिक, चाहे एजिंग आर्मी हो चाहे आज का यूथ हो, अगर आर्मी का कंटेंट करेक्टली बनता है तो लोग उससे वैसे ही कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि आर्मी को लेके एक पैशन एक आम जनता के दिल में ऑलरेडी रहता है. तो वो एक अच्छा सब्जेक्ट होता है, अगर वो करेक्टली बन जाए तो वो फिल्म हमेशा चलने वाली है. अगर वो करेक्टली बन जाए तो, सही तरीके से अगर पब्लिक का पल्स पकड़ लिया जाए तो वो सही बन सकती है. ये था मेरा कुछ आज का ज्ञान. अगर किसी को अच्छा या बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मैं गलत नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती. मुझे बहुत दुख है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे अच्छी फिल्में बने, और बाकी हमारे मेकर्स की मर्जी है, वो जहाँ जाएंगे जिधर ले जाएंगे जो बनाना चाहेंगे. 2022 में हमें इतना तो सीख लेना चाहिए कि ये कोविड जाने वाला नहीं है, तो हम ऐसा कंटेंट बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें लोग ओटीटी पे ही देखने वाले हैं, तो थिएटर को सोच के फिल्में ना बने, ओटीटी को ध्यान में. और ओटीटी मतलब फिर तो स्ट्रेट कंटेंट है, इतने हाई बजट जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. लो बजट का अच्छा सिनेमा 2022 को रूल करेगा, ये बात आप मेरी ध्यान रखिएगा. टाटा बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, फिर मुलाकात करूँगी.